हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलिसा टेस्ट के बारे में। एलिसा टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार इसको परफॉर्म करते हैं, ये जो एलिसा टेस्ट है उसका यूज़ किस डिजीज़ के अंदर किया जाता है। तो फर्स्ट एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये जो एलिसा टेस्ट है उसकी परफॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जो क्या एक प्रकार का सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ELISA टेस्ट इज एक्सट्रीमली गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। इस ELISA टेस्ट है, ELISA टेस्ट वो अच्छा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। द एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV वायरस डेवलप इन 6 to 8 वीक। ये जो ELISA टेस्ट होता है उसका यूज़ HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो HIV वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है उसका निर्माण 6 to 8 वीक के अंदर हो जाता है। तो इसके जो ELISA टेस्ट है उसके अंदर अपन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। दी एंटीजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम HIV ग्रोन इन कंटिन्यूस टी लिम्फोसाइट सेल्स। ये जो HIV इन्फेक्शन है इसके अंदर जो एंटीजन होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। The viral antigen is coated on surface of many titer webs। ये जो viral antigen होता है वो covered रहता है, जो दीवार होती है webs उसके माध्यम से कवर रहता है। The test serum is added into it। ये जो ELISA test होता है इसके अंदर अपन serum को specimen के रूप में use करते हैं। If antibodies are present, it binds to antigen। जब अपन टेस्ट करते हैं, सीरम का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन होती है इसमें देखने को मिलता है कि जो एंटीजन है एंटीबॉडी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइंड रहते हैं। द अनबाउंडेड सीरम इज वॉश्ड अवे, देन एंटी ह्यूमन गॉट इम्यूनोग्लोबिन लिंक्ड टू ए सूटेबल एंजाइम इज एडेड। इसमें क्या होता है कि जो अपन ने सैंपल लिया है, स्पेसिमेन लिया है सीरम का, उसको अपन क्या करते हैं, वॉश करते हैं। जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वॉश हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाउंडेड एंटीजन एंटीबॉडी वहाँ पर ही बने रहते हैं स्लाइड के अंदर या ट्यूब के अंदर। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक एंटी ह्यूमन गॉड इम्यूनोग्लोबिन का यूज़ करते हैं जो रिएक्शन के लिए हेल्पफुल है। फॉलोड बाय कल्चर फॉर्मिंग सबस्ट्रेट। जब एंजाइम का अपन यूज़ करते हैं तो जो रिएक्शन होगी उसके अंदर डिफरेंट कलर शो होता है, जब रिएक्शन पॉजिटिव होती है तो। द पॉजिटिव रिपोर्ट इज रीड बाय ELISA रीडर। जो ELISA टेस्ट होता है उसको रीड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ELISA रीडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोसीजर, किस प्रकार अपन प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। एंटीजन इज एब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ प्लास्टिक प्लेट एंड ट्यूब, एक्सेसिव एंटीजन रिमूव्ड बाय वॉशिंग पेशेंट सीरम इज एडेड। ये जो ELISA टेस्ट होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट का जो सीरम होता है उसको अपन यूज़ करते हैं। इसमें जो सीरम है उसको क्या करते हैं, अपन एक ट्यूब के अंदर ये जो प्लास्टिक जो प्लेट होती है स्लाइड होती है इसके ऊपर अपन डालते हैं। जब अपन सैंपल को स्लाइड के या ट्यूब के ऊपर डालते हैं, अंदर डालते हैं, तो क्या होता है कि जो एंटीजन होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं प्लास्टिक प्लेट या ट्यूब के सरफेस के बॉटम पर। एक्सेसिव एंटीजन जो होता है वो अपन वॉशिंग के माध्यम से रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा अपन पेशेंट का सीरम इसके अंदर ऐड करते हैं। अनबाउंडेड एंटीबॉडी आर वॉश्ड, जब अपन वॉश करते हैं, ठीक है, एजेंट के माध्यम से जो अनबाउंडेड एंटीजन है एंटीबॉडी दोनों ही वॉश हो जाते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीग्लोबुलिन एडेड। इसके बाद अपन वॉश करने के बाद क्या करते हैं, अपन एक एंजाइम का यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेट। अपने किया सीरम सैंपल लिया, सीरम सैंपल लेने के बाद उसको क्या किया, वॉश किया, एक्सेसिव एंटीजन या जो एंटीबॉडीज थे अनबाउंडेड वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद करते हैं मिक्सर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सैंपल है, इसको अपन करते हैं रोटेट मिक्स करते हैं और उसको करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर ढक देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट पी नाइट्रोफिनोइल फॉस्फेट इज एडेड। अब इसको मिक्स करने के बाद या टेम्परेचर पर रखने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने के बाद ये करते हैं अपन उसके अंदर एक एंजाइम पदार्थ यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या है, नाइट्रोफिनोल फॉस्फेट को अपन यूज़ करते हैं, जो एक रिएक्शन को दर्शाता है। जब अपन एंजाइम का यूज़ करते हैं तो येलो प्रोडक्ट पॉजिटिव टेस्ट, जब जो रिएक्शन है, ये जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद एंटीजन एंटीबॉडी, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो कलर होगा येलो कलर होगा, तो उसका मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर HIV है, इनका इन्फेक्शन हो चुका है।
तो किस पर ग्लो कलर होगा, येलो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर रिएक्शन के दौरान, और टेस्ट कैसे होगा पॉजिटिव। यदि येलो प्रोडक्ट नहीं बनता है, डिफरेंट अलग कलर का प्रोडक्ट बनता है, तो ये टेस्ट होगा कैसे होगा नेगेटिव। ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो टेस्ट है इसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसकी डेंसिटी, उसकी जो घनत्वता है या उसको जो मिश्रण है उसको अपन नापने के लिए करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं।